आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू की सब्जी, जो कि सेंधा नमक के साथ तो बनेगा ही एंड बहुत ही कम मसाले के साथ बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप इसे भंडारे वाली सब्जी भी बोल सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से आज हम बनाएंगे इसे, और हलवाई वाली सब्जी भी बोल सकते हो क्योंकि वैसा ही लगता है टेस्ट में। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टी बेट्स कॉफ़ी। मैं हूँ प्रियंका और चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ये मैंने मसाले लिए हैं। ये है थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा था सा, और धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर खट्टापन के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यही सब मसाले हमें लेने हैं। और ये आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच है ये सौंफ, जो कि हम तेल में डालने वाले हैं, मतलब जिसका हम तड़का लगाएंगे। और ये है 3-4 बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, जिसे हाथों से ही हमें बस हल्का सा तोड़ लेना है बस। और ये हम डाल रहे हैं तेल, तेल की जगह आप घी डाल सकते हो, आप व्रत में अगर घी खाते हो तो आप घी ही डालें। तेल हमारा हो चुका है गर्म, अब इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें जीरा एंड सौंफ। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने हरी मिर्च नहीं लिया, आप हरी मिर्च ज़रूर डालें क्योंकि युवान है, मतलब छोटा मेरा बेबी है तो मैं उसे तीखा नहीं खिलाती, वो नहीं खाता, इसलिए मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल डाल सकते हो। और मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आप दोनों डाल सकते हो, तीखी वाली भी एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी। और जब जीरा और सौंफ हमारा अच्छे से जल जाए, ये अच्छे से भुन चुका है, इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फिर इसी गर्म तेल में हम अपने सारे मसाले को डाल देंगे जो हमने अभी आपको दिखाया था, बस सब एक ही साथ हमें डाल देना है इसमें। और हमें आधा मिनट तक इसी तरह से इसे भूनना है, बिल्कुल चलाते रहना है बहुत अच्छे से, गैस को हमें ऑन नहीं करना है, इसी तरह से हम इसे चला चला कर भून लेंगे। और पीछे से युवान लाइट ऑन ऑफ कर रहा है बस इसी तरह से वो मेरा हेल्प करता है। और मसाले हम इसी तरह से भून लेंगे बहुत अच्छे से, गैस को हमें ऑफ ही रखना है बस। एंड हमारा मसाला भुन चुका है तो गैस को मैंने ऑन कर दिया, मैंने डाल दिया है कढ़ाई फिर से, और इसमें हम डाल देंगे इस टाइम पे अपना आलू। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और आलू को भी हम थोड़े देर तक भून लेंगे। ये पूड़ी के साथ ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी पूड़ी के साथ ही खाओ, चोभी पूड़ी, मतलब आटे की खा रहे हो तो आटे वाले भी, और या कुट्टू के आटे वाली जो बनती है उसके साथ भी, किसी भी पूड़ी के साथ खाओ, ये सब्जी बहुत टेस्ट लगता है खाने में। और ये सब्जी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा तीखा ही बनाओ आप, अगर आगे आपके घर पे बच्चे ना हो तो। और मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, यह है सेंधा नमक, अगर आप व्रत में खा रहे हो तो सेंधा नमक ही डालें, नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। और इसे भी हम कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ये सब्जी बनाने में मोस्टली आपको 10 मिनट से बहुत कम टाइम, मतलब 9 मिनट लगेंगे, बहुत कम नहीं, तो 10 मिनट से भी कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। और जब भी मैं पूरियाँ बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ यही सब्जी बनाने की, व्रत वाले टाइम हो या ना हो, बहुत अच्छा भी लगता है, हम सबको पसंद है ये सब्जी। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, सब्जी बहुत अच्छे से भुन चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाले हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, जो कि घर का बना हुआ है, मैं बोलूँगी कि आप भी घर का ही यूज करें। और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नटमेग पाउडर घिसकर, मतलब ये नटमेग है मतलब जायफल, और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से घिस लेंगे, बस एक चुटकी जितना, एक पिंच जितना, बहुत अच्छा ये टेस्ट देगा सब्जी में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। गाँव वाँव में शादी में जो आलू की सब्जी बनती है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, बस इसी तरह का ये सब्जी बन जाता है, आप यकीन मानो, आप एक बार इस तरह से बना कर देखो। अब इसे हम ढक कर 4-5 मिनट तक के लिए उबलने देंगे, और ये देखो 4-5 मिनट हो चुका है, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, बस ग्रेवी का कंसिस्टेंसी यही रहेगा क्योंकि ठंडा होने के बाद आलू की सब्जी थोड़ा और गाढ़ा होगा, ये ग्रेवी को थोड़ा और अब्जॉर्ब करेगा,
बस इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ। सब्जी हमारा बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मैं बोलूँगी कि आप एक बार इस रेसिपी से सब्जी बनाकर देखो और हमें कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लगी। मैं बोलूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, एंड सबको खिलाएँ एंड खुद खाएँ एंड इन्जॉय करें। सो आई होप यू लाइक द रेसिपी। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।